नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। दिवाली के दूसरे दिन उत्तर और मध्य भारत में गोवर्धन पूजा का प्रचलन है। इस दिन को अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई थी। व्यावहारिक नजरिए से देखा जाए तो इस परंपरा के पीछे प्रकृति पूजा का संदेश छुपा है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन गायों की सेवा का महत्व है। गोवर्धन पूजा कुछ जगहों पर सुबह की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल गोवर्धन पूजा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को शाम 6:16 को होगी। इसके बाद तिथि का समापन 2 नवंबर रात 8:21 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा शुभ मुहूर्त। सुबह गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 5:34 से लेकर 8:46 तक रहेगा, जिसमें भक्तों को पूजा करने के लिए कुल 2 घंटे 12 मिनट का समय मिलेगा। इसके बाद गोवर्धन पूजा का दूसरा मुहूर्त शाम 3:23 से लेकर 5:35 तक रहेगा, जिसमें भक्तों को कुल 2 घंटे 12 मिनट का समय मिलेगा। सूर्योदय से पहले उठकर शरीर पर तेल की मालिश करके नहाना चाहिए। घर के आंगन पर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं। इस पर्वत के बीच में या पास में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रख दें। अब गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की पूजा करें और मिठाइयों का भोग लगाएं। देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि और राजा बलि की भी पूजा करें। पूजा के बाद गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करें। इस दौरान जल को हाथ में लेकर मंत्र का जाप करें। ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दान दक्षिणा दें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान इंद्र ब्रजवासियों से क्रोधित हो गए और तेज बारिश कर दी। इंद्र देवता के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठा लिया था। तभी से हर साल गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। इस दिन को प्रकृति की सेवा और पूजा के रूप में मनाया जाता है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।